संख्या 9 सिद्ध कीजिए कि 0π/2 में वाई यानी कि 4 साइन थीटा बटा में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा यानी थीटा का एक वर्धमान फलन है। आपको फाइंड करना है कि जो भी आपका मान निकलेगा उसमें जो है कि थीटा का यदि मान रखा जाता है कहाँ पे 0 और π/2 के बीच का, तो वो क्या फलन है, कौन सा फलन है, वर्धमान। चलिए हल करते हैं। चलिए आपका है वाई बराबर 4 sin थीटा, वाई बराबर 4 sin थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा और माइनस क्या थीटा, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये जो है कि थीटा जो है यानी कि इसमें थीटा के सापेक्ष क्यों हो रहा है, क्यों नहीं एक्स के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एंगल आपका है सभी में एंगल आपका जो है वह थीटा है, तो आप थीटा के सापेक्ष करते हैं, एक्स रहा होता तो एक्स के सापेक्ष करते हैं। चलिए वाई का अवकलन हो जाएगा dy बटा में dx इक्वल टू, देखिए ये अंश है ये हर है, अंश और हर का सूत्र होता है अंश बाय हर, सूत्र होता है हर d/dx अंश का माइनस अंश d/dx इसके निकालेंगे हर का, और बटा में होता है हर का स्क्वायर। ये आपका सूत्र है अंश और हर का, इसी पे टूटेगा ये, तो अंश और हर का सूत्र होता है हर, यानी कि हर है आपका 2 प्लस cos थीटा, देखिएगा हर इतना है d/dx नहीं है ये d थीटा है ना, देखिए dx पे हम लोग बार बार कर रहे हैं इसीलिए dx हो जा रहा है d थीटा इंटू आपका देखिए 4 गुणांक है, ये लिख दीजिए पहले 4 sin थीटा माइनस फिर 4 sin थीटा d/dx हर का यानी कि 2 प्लस cos थीटा का, अब बटा में हर का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 2 प्लस cos थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है थीटा के सापेक्ष हो गया। चलिए यहाँ से dy बटा में d थीटा आंसर और भी तोड़ दिया गया वैसे ही रख दिए हैं, चलिए 2 प्लस cos थीटा, चलिए साइन थीटा का गुणांक 4 है तो इसका अवकलन होता नहीं बाहर आ जाएगा डॉट, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है कॉस थीटा माइनस, ये आपका हो जाएगा 4 sin थीटा। इसमें आइए 2 का अवकलन कितना होता है 0 प्लस कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है आपका होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो आपका माइनस साइन थीटा होगा, और माइनस साइन थीटा से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि आप इतना लिख सकते हैं बटा में हर का स्क्वायर कर दीजिए 2 प्लस cos थीटा का पावर कितना, देखिए ये छूटा हुआ है माइनस d/dx किसका डी थीटा का, और थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा था तो x का अवकलन 1 होता था, इसमें थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ से आइए dy बटा में d थीटा इजिकल टू 2 प्लस cos थीटा 4 पहले ले लीजिए इंटू कॉस थीटा माइनस, देखिए माइनस से प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा, साइन से साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह से x से यदि x में आप गुणा करते हैं तो x का पावर कितना होता है 2, समान राशियों का आपस में गुणा होता है तो उसका घात जुड़ जाता है, तो हम घात को जोड़ दिया है माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का क्या होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए विस्तार से हो रहा है थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चलिए गुणा कर दीजिए 4 × 8 और 8 में cos थीटा से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 cos थीटा, प्लस है तो प्लस लगाइए। चलिए यहाँ पे 4 से cos में गुणा करेंगे तो 4 cos होगा
अब उसके बाद कास थीटा से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 cos² थीटा। ठीक है, और नीचे लिख लीजिए 8 cos θ + 4 cos² θ प्लस 4 sin² θ माइनस है। चलिए क्वेश्चन लगा लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, पहले का स्क्वायर 2 × 2 = 4 प्लस दोनों का गुणनफल का दोगुना होता है, लेकिन हम लोग सजा कर लिख लेते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी स्क्वायर यानी कि cos का स्क्वायर cos² θ हुआ प्लस दोनों का गुणनफल 2 से cos में गुणा करेंगे तो 2 cos होगा, उसका दोगुना यानी 2 × 2 = 4 यानी कि 4 cos θ आपका हो जाएगा, बटा में आपका हो जाएगा 2 cos θ। इसको कैसे तोड़ा गया इसको देख लीजिएगा, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² हम इसको आसान के लिए लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। देखिएगा दोनों का गुणनफल हुआ है 2 से cos θ में, देखिए दोनों गुणनफल यहाँ पर हुआ है a से b में, यानी कि 2 से cos θ में 2 cos होगा और उसका दोगुना कर दे 2 cos θ का दोगुना करेंगे तो 2 × 2 = 4 यानी 4 cos θ हो गया। चलिए ये हो जाएगा dy/dθ = 8 cos θ + 4 cos²θ + 4 sin²θ माइनस गुणा कीजिए, -4 ये हो जाएगा -cos²θ - 4 cos θ / 2 cos θ का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dy/dθ = cos θ और ये भी आपको क्या है cos θ, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है इसका चिन्ह माइनस है घटेगा, देखिए इसका चिन्ह माइनस है इसका चिन्ह प्लस है तो घटेगा ना, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 cos θ हो गया, तो 4 cos θ हो गया, लेकिन 8 बड़ा है तो इसका प्लस है तो आप प्लस मानेंगे। ठीक है चलिए, अब cos²θ है ये भी cos²θ है ये भी cos²θ है तो आपका हो जाएगा इसका माइनस इसका प्लस का हो जाएगा +3 cos²θ। ठीक है, और ये sin² में है और कैसा स्क्वायर में है sin²θ नहीं है तो ये आपका हो जाएगा +4 sin²θ, अकेले है ये 4 तो आपका हो जाएगा -4 बटा में आ जाइए 2 cos θ का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, ये सभी देखिए सभी मान हम लोग कास में चाहिए, देखिए ये सभी कास में चाहिए, ये सभी को साइन में ले चलिए, सभी को कास में ले चलिए, सभी को साइन में, चलिए एक साइन में है बाकी सभी कास में है, तो इस sin²/4 sin²θ को कास के पद में बदल देते हैं, dy/dθ = आपका हो जाएगा dy/dθ = हो जाएगा यहाँ से 4 cos θ + 3 cos²θ + देखिए या 4 sin²θ है तो यह समीकरण से आपका हो जाएगा 4 - 4 cos²θ हो जाएगा θ और -4 बाई आपका हो जाएगा 2 cos θ का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा dy/dθ = चलिए यह है cos θ यानी कि 4 आपका हो जाएगा cos θ cos²θ cos²θ इसका माइनस है इसका प्लस है घटेगा 4 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा -cos²θ और इससे ये क्या होगा कट जाएगा नहीं कितना हो गया बटा में 2 प्लस
कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू दोनों में से कॉमन क्या है, कॉस थीटा कॉमन है, यानी कि आपका हो जाएगा फोर माइनस कास्ट, इसमें से कास्ट निकल गया था फोर बचेगा, इसमें दो कास्ट था एक निकल गया तो आपका एक अभी कास्ट बचेगा, आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई आपका हो जाएगा टू प्लस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ डैश अवकलन हो गया। अब आपका अंतराल दिया गया है इतने पर, लिखेंगे अंतराल जीरो पाई बाई टू पर एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स में एफ डैश थीटा है, एफ डैश थीटा या आप लिख सकते हैं डी वाई बटा में डी थीटा। इसमें आप जीरो और पाई बाई टू, यानी कि जीरो और पाई बाई टू का मतलब नब्बे डिग्री, यानी कि जीरो से लेकर के नब्बे के बीच में आप यदि तीस अंश पैंतालीस अंश साठ अंश यदि इसमें आप मान रखते हैं थीटा की वैल्यू तीस अंश, थीटा की वैल्यू पैंतालीस अंश, थीटा की वैल्यू साठ अंश यदि इतना मान रखते हैं तो आप इसको हल करेंगे तो उसका मान आएगा किसमें, धनात्मक में, क्योंकि आपका कॉस थीटा जो है ये प्लस में आया है, तो आप यदि कोष्ठक वाली राशि को हल करेंगे तो हमेशा कोष्ठक वाली राशि प्लस में आएगी। आप लोग हल करके देख लीजिएगा, यदि हल करेंगे तो वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा, आपका किस में आएगा, धनात्मक में, धनात्मक है, अतः अतः जीरो पाई बाई टू, जीरो और पाई बाई टू पर क्या हुआ, वर्धमान, ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे।